अवर टॉपिक इज प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस सो फॉर वी हैव डिस्कस्ड प्रेजेंट इंडेफिनेट एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज ठीक है उसको हमने बड़ा डिटेल से टेकअप किया है कि किस तरह प्रेजेंट इन डेफिनेट एक्टिव जो है वो कहाँ कहाँ यूज़ होता है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज का जो पैसिव है सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनेट का जो पैसिव है वो कहाँ पे यूज़ होता है ठीक है कुछ बच्चों ने इस पर काम किया है मुझे सेंटेंसेस चेक कराए आई एम वेरी हैप्पी कि आप ये डेली बेसिस पे अगर एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल इम्प्रूव योर ग्रामर ठीक है जी आज हम बात करने जा रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज़ की प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस का मतलब होता है कि कोई भी एक्शन जो है वो उसके आप मिड में है यानी व्हेन वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन फॉर एग्जांपल आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर्स मैं लेक्चर दे रहा हूँ ठीक है तो मैं इस लेक्चर के मिड में हूँ मेरा एक्शन जो है वो इन बिटवीन है

एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस यस बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस मुकम्मल नहीं हो चुका जब हम कहते हैं एक्शन बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई इसका मतलब है दिस इज द रूटीन ऑफ द बर्ड्स के वो फ्लाई करते हैं जब हम कहते हैं बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई इसका मतलब है एक्शन इज टेम्परेरी एंड आफ्टर सम टाइम एक्शन जैसे देखें ईस्ट एंड इन दस्ट व डिफरेंस राइज इन दस्ट इट इज द रूटीन ऑफ द सन टू राइज फ्रॉम द ईस्ट और जब हम कहते हैं सन इज राइजिंग इन द ईस्ट इसका मतलब है कि टेम्परेरीली निकल रहा है थोड़ी देर के बाद मुकम्मल निकल जाएगा और एक्शन खत्म हो जाएगा ठीक है तो ये टेम्परेरी एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को यूज करते हैं ठीक है जी इसका फॉर्मूला लिख लें सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी आई एन जी मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल ठीक है फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है जी ये इसका फॉर्मूला है ठीक है अब इससे यू कैन मेक मैनी सेंटेंसेज ठीक है और इसको नेगेटिव करेंगे तो इ, सब्जेक्ट प्लस इज़ नॉट एम नाट आर नाट प्लस ऑब्जेक्ट ठीक है और इंट्रोगेटिव में आपको पता है कि सेंटेंस uh, में इज एम आर शुरू में आ जाएगा आर यू वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स इज़ ही फ्लाइंग काइट इज एम आर हम स्टार्ट में ले आएंगे अब उसके बाद डब्ल्यू एच वर्ड्स के सेंटेंसेज ठीक है क्योंकि क्वेश्चन सेंटेंस मैंने आपसे बताया कि दो किस्म का होता है एक येस yes या नो no में आंसर होता है आर यू वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स यस आई एम यस और नो Uh, where are you working on computers? Who is working on the computers? Why he is working on the computers? How he is working on the computers? With whom is he working on the computer? ठीक है? You can make sentences of reasons. ठीक है? उसमें फिर justification आ जाती है wh words में। अच्छा एक बड़ी important बात है present continues के वाले से वो ये है। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे sentences होते हैं जो कॉन्टीन्यूटी में नहीं एपरेंटली हमें नजर आ रहे होते जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि सड़क पर दरख्तों की तादाद में अजाफ़ा हो रहा है अब उसका मतलब यह है कि उसका मतलब ये नहीं कि ऑटोमेटिकली एट द मोमेंट इजाफा हो रहा है ठीक है यानी कि एक उसकी स्टेट बताई जा रही है कि दिन ब दिन उसमें इजाफा हो रहा है तो इसका हम करेंगे कि द नंबर ऑफ ट्रीज ऑन द रोड इज इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ ट्रीज रोड इज इजाफा हो रहा है मतलब भी होता है बढ़ना तो बज दफा ऐसे फॉर yes, एग्जाम्पल आप कहते हैं जी आई एम प्लानिंग आई एम प्लानिंग ऑन फॉर न्यू प्रोजेक्ट तो अब ये अपरेंटली हमें नजर नहीं आ रहा लेकिन ये सेंटेंसिस जो है ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज के अंदर आते हैं ठीक है जी तो आज हमने डिस्कस किया जी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज एक्टिव ठीक है और इसके आप सेंटेंसेस बनाइएगा और ये जो मैंने अभी रूल बताया कि कुछ ऐसे सेंटेंसेस जो कि अपेरेंटली एक्शन नहीं होता लेकिन वो होते प्रेजेंट कॉन्टीन्यूज के हैं ठीक है जी इसके भी आप क्रिएट करें विश यू ऑल द बेस्ट ऑल द बेस्ट ठीक है जी